नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के धरना स्थल यानी बूढ़ा तालाब के पास मौजूद है, जहां पर 2018 से दौड़ लगाते लगाते 2022 में पहुंच गए हैं वो एएसआई। यहां पर खड़े हुए हैं जो बनने वाले हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। फिटनेस देख के लग रहा है कि किस तरह से मेहनत है, 4 सालों का मेहनत है, लेकिन उन 4 सालों को का जो मेहनत है उसको सरकार नहीं देख पा रही है, ऐसा लग रहा है। क्यों, क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि 2018 से भर्ती रुकी हुई है। हम बस यही चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को क्यों रोका जा रहा है। 2022 आ गया, आज 4 साल पूरे हो चुके हैं इस भर्ती के, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। इस रमन सरकार में भर्ती निकली हुई थी, भूपेश बघेल ने इसके बाद पोस्ट बढ़ाया और उसके बाद फिर भर्ती को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद आगे कुछ भी नहीं हो रहा है इस भर्ती का। तो हम चाहते हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि हमारे 4 साल बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। और हमारी सरकार से ये मांग है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि 4 साल में बहुत सारी हमको समस्याएं हो चुकी हैं, हमको घर से तकलीफ़ है, हमारी फिजिकल वो भी ख़त्म हो रही है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, ये भर्ती पूरी करें। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, आप पुराने आरक्षण मुद्दे, पुराने आरक्षण रोस्टर 50% पे आप भर्ती ले सकते हैं। बस हमारी यही है सरकार से रिक्वेस्ट कि आप हमारी भर्ती पूरी करें और जल्द से जल्द पूरी करें। 4 साल हो गए हैं, किस तरह से मानसिक तनाव जो है बढ़ता जा रहा है युवाओं में? मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि अपने एक तैयारी करते हुए थे, जैसे 6 तारीख को उसमें भर्ती होनी, प्री का पेपर होना निर्धारित किया गया, लेकिन जैसे पहुंचने वाला था अपरिहार्य कारणों से उसको रोक दिया गया। उसके बाद धीरे से आरक्षण का मुद्दा आ गया, अब आरक्षण में जो भी है 76% बढ़ा दिया गया। अब एक मतलब मुद्दा वो भी जो लटका हुआ है ना, या तो जो भी है अगर आरक्षण का मुद्दा क्लियर करे, जो भी है उसको क्लियर करे और भर्ती को लिया जाए। 4 साल बहुत बड़ा गैप हो जाता है भैया, 4 साल में करते करते काफ़ी कुछ है, मतलब किसी की फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है, घर का प्रेशर है, कई तरीके के प्रेशर होते हैं। तो जो भी है जल्दी से उसको रोस्टर जारी करें और भर्ती प्री का है तो एग्ज़ाम कम से कम ले, उसके बाद जो भी आगे है जल्दी से भर्ती, मतलब इसके बाद देखिए अक्टूबर वगैरह के आसपास मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद तो भर्ती ऐसी रुक जाएगी आपकी। और पुलिस भर्ती तो ऐसा नहीं है कि वन डे एग्ज़ाम है, आज लिए कल जो भी हो गया, प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, मतलब 5 चरणों में है ना एग्ज़ाम। तो प्रोसीजर मतलब बहुत सारे प्रोसीजर हैं और उनको उतने कम समय में पूरा करना मतलब थोड़ा दिक्कत है, और कम समय में पूरा भी किया जाएगा तो जैसे प्री होता है मेंस के लिए अपने को समय नहीं मिलेगा, तो उसको एक निर्धारित एक समय सीमा बनाया जाए और उसको भर्ती पूरा किया जाए जितना हुआ। बस इसी के लिए सब यहाँ अपने जितने भाई बहन लोग हैं सब इसी के लिए। इस प्रकार से देखो तारीख पे तारीख जो दिया जा रहा है, हर किसी भी तरह के सरकार के जो नियम है उसमें जब अपडेट होते हैं तो इन एएसआई की जो भर्ती की जो परीक्षा है उसमें बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है। कई तरह से अगर देखा जाए तो 4 साल यानी पिछले चुनाव से जो भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई है, आज अगले पंचवर्षीय के चुनाव आने वाले हैं लेकिन अभी तक इसमें भर्ती नहीं हुआ, केवल शारीरिक नापजोक जो होता है वो हुआ है। लेकिन आखिर ये जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि 4 सालों में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि किसी की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, हो सकता है कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए, तो हो सकता है कोई मानसिक तनाव का शिकार हो जाए, तो ऐसे में आखिर किसकी गलती है? क्योंकि लगातार 4 सालों से इंतज़ार करना किसी पोस्ट के लिए और उसके लिए मेहनत करना बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि पढ़ाई करना केवल 1 सालों का 1 घंटे का काम नहीं होता है, उसके लिए पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। और जब हम कभी भी कोई भी तैयारी शुरू करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, तो लगातार उसमें प्रयास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो है प्रयास करने की स्थिति में नहीं बच पाते, क्योंकि हमारे आसपास, क्योंकि मानव जीवन है और एक लंबे समय के इंतजार के बाद इंसान का मनोबल टूटता जाता है, और अभ्यर्थी जीवन में बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं, समाज को भी हमें जवाब देना पड़ता है। एक युवा होना कितना कठिन का बात होता है वो सिर्फ एक युवा समझ सकता है, और जो अभ्यर्थी ग्रामीण अंचलों से, गांवों से, जंगलों से निकलकर शहरों में जाकर लाखों रुपए की फीस खर्च करके रूम में किराए में रहकर, वहां पर किराए के मकान में रहकर, वो टिफिन का खाना खाकर देश के भविष्य के लिए, राज्य में अच्छी स्थापना के लिए, अच्छे राज्य के लिए, अच्छे युवा का परिभाषा देने के लिए जो प्रयास करते हैं, उनको राजनीतिक गलियारों से गुजरना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, लेकिन इन्हीं राजनीतिक पार्टियों की वजह से, सत्ताधारियों की वजह से इन्हें वो मार झेलना पड़ता है जो वे कभी नहीं चाहते, लेकिन 4 सालों तक वो मेहनत करते रहे। आज भी सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें तारीख पे तारीख दिया जाएगा, कब तक वो आरक्षण के शिकार होते रहेंगे, कब तक सरकार के नियमों के शिकार होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वो कभी भी
एक दिन दो दिन तीन दिन में नहीं होती, उसके लिए एक लंबा समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि सरकार अपने नियम में बदलाव करते हैं। लेकिन ये कैसा नियम है जिसमें चार साल लग गए और चार सालों तक इन्हें इस मैदान पर राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर पहुँचना पड़ गया। आपको पता होगा कि पुलिस ऐसा विभाग होता है जहाँ आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस बनने से पहले इतना बड़ा आंदोलन जो ये कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि सरकार पर सवाल उठते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, कि चार सालों तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में थे, उस समय जब भर्ती आई थी, तो उस समय भर्ती क्यों नहीं लिया गया। अब जब सरकार कांग्रेस की है, तो चार साल से कांग्रेस की सरकार कर क्या रही, आखिर एसआई भर्ती परीक्षा में ऐसी क्या गलती है इन तमाम युवाओं की जो यहां पर इन्हें खड़े होने के लिए मजबूर करी। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग लड़कियाँ हैं और लड़के भी, सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ऐसा ही की वजह से। जब स्टार्टिंग में आया था तो हम लोग बहुत खुश थे कि आया है, हम ऐसा ही बन के ही रहेंगे। फिर उस टाइम हमने फिज़िकल वर्कआउट करना शुरू कर दिया, फिर वो भी स्ट्रांग हो गया था, लगभग हो ही गया था, फिर से कैंसिल हो गया। फिर न्यू गवर्नमेंट आई तो फिर उसका सेट मतलब होने वाला था एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम कैंसिल, जैसे कि दिवाली के टाइम कैंसिल हो गया। हम लोग दिवाली में जाने वाले नहीं थे, एग्ज़ाम आ रहा है करके 6 नवंबर को। फिर जैसे ही आया मतलब कैंसिल हुआ, नोटिफिकेशन आया, तो फिर हम लोग को ऐसा हुआ कि हम लोग ना दिवाली मना पा रहे हैं ना कुछ, वहाँ मतलब ऐसा सदमा लगा कि हम लोग घर जाएँ कि कहाँ जाएँ। तो सरकार को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ हम लोग युवा हैं, युवा वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे हम लोग लड़कियाँ हैं, हमारा हम लोग का एज जब डाले थे तो 22 साल रहा होगा, अभी के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और घर वाले हम अब तो मानेंगे नहीं। 4-5 साल से हम रोक के रखे हैं कि अब मतलब शादी करना है, फ्यूचर देखना है। अभी हम कुछ करियर के लिए आए थे तो रोक के रखे थे कि अब कुछ सालों में ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही बन के निकलेंगे, कुछ करके निकलेंगे, और गवर्नमेंट ले ही नहीं रही है एग्ज़ाम, और घर वालों को कितना समझाएं, अब तो बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, आ जाओ। हम लोग ऐसा कंडीशन में आ गए हैं कि हम लोग यहाँ जा सकते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं ना घर का मतलब घर का ना घर का, वो कंडीशन आ गया है। अब हम अपने कैरियर के लिए आए थे, वो भी नहीं मिल पा रहा है, एक ऐसा ही का जुनून था। और अब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, जैसे कि सर ने कहा कि हम फिज़िकल लड़कियाँ हैं, फिज़िकल वर्कआउट के लिए बहुत दिक्कत होगा। और क्या कहना चाहेंगे मैम आप? देखिए, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गया है। दरअसल ये वो युवा हैं जो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई का शिकार हो गए हैं। अगर वो तैयारी करना बंद कर देते हैं, और हो सकता है कि भर्ती शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो इनकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। और बहुत सारे हमारे साथ साथी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बढ़ते उम्र के साथ दबाव भी बढ़ते जाता है, घर का, परिवार का, समाज का, सबका दबाव बढ़ते जाता है। अंततः युवा गले की हड्डी की तरह लटक जाता है जब भर्तियाँ लगातार रुकती हैं, तो इससे इतनी परेशानियाँ होती है कि बयां करना इतना आसान नहीं होता। हर किसी के जीवन में अलग अलग समस्याएँ होती है, लेकिन ये समस्याएँ इतनी बड़ी है कि जिसका वर्णन करना, मतलब 4 साल से वेट करना, इंतज़ार करना मुमकिन नहीं है। लेकिन कर रहे हैं हम लोग, कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम एसआई बनेंगे करके लगातार अपने फिटनेस को लेकर के जागरूक रहे हैं, लगातार तैयारी करते रहे हैं। लेकिन हमें आज तक, अभी तक हमें जो उचित मिलना चाहिए, हमारा जो अधिकार है, वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले 2016 से कर रहा हूं, और आज 2022 हो गया, पहले से ही एसआई आएगा भर्ती करके हम लोग तैयारी में लगे हुए थे, और आज भी लगे हुए हैं कि कल होगा, परसों होगा, कि आने वाले समय में होगा करके। और लगातार बढ़ती हुए डेट और उम्र के साथ साथ दबाव भी बढ़ते जा रहा है। घर ना घर लौट सकते हैं, ना शहर में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शहर में रहने के लिए उतनी सुविधाएं चाहिए, उतनी व्यवस्था चाहिए जो हमारे पास नहीं है। फिर भी हम कैसे भी करके अफोर्ड कर रहे हैं, रह रहे हैं और कर रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्तियाँ पूर्ण करें, चाहे वो व्यापम की हो, चाहे CGPSC हो, चाहे आपका एसआई भर्ती हो, सभी भर्तियों को लेकर के हम काफ़ी उत्सुक रहे हैं अभी तक। और सरकार पे सरकार बदलती जा रही है, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती संपन्न हो। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे अभी? भैया, ऐसा हो गया ना कि हम अधर में लटक गए हैं। अब 2016 से तैयारी कर रहे हैं, 2018 में भर्ती आई है ना, उस समय भाजपा की सरकार थी, एक अलग इवेंट रखा गया, 5:40 में आपको निकालना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है, हम उसके लिए तैयारी किए। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की सरकार आई, अपने कोई दिक्कत नहीं है, 5 इवेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इवेंट करेंगे। लेकिन अपन सरकार जैसे जैसे बोलते गई, हम उस हिसाब से अपना तैयारी करते गए, ठीक है ना, अपना मेहनत की, अपना समय दिया, अपना पैसा वेस्ट हुआ, जो भी मतलब सारी चीज़ ही तो वेस्ट हुए ना।
घर वाले कहना है क्या कर रहे हो यार, मतलब एक एज होते जाते हैं तो एक मतलब एक एज के बाद इंसान या तो इधर का नहीं होगा ना तो कुछ बिजनेस कर ले ना कुछ कर ले, अरे कुछ तो करें मतलब किसी दूसरे चीज़ का अनुभव ही नहीं ले पा रहे हैं। एक चीज़ क्लियर होता तो हम किसी दूसरे चीज़ में मतलब जाते, अगर हो तो उस चीज़ को जल्दी क्लियर करें, हम उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी क्लियर। भाई साहब आप भी आप अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बालोद से आया हूँ, बालोद जिले से, और मैं भी 2018 से ही लगातार तैयारी कर रहा हूँ। दो पोस्ट को बढ़ा के दो पोस्ट जो शुरुआत जो हुआ था उसमें कम पोस्ट था, पोस्ट बढ़ा बढ़ा के लगातार बस डीले करते गए। लोग बाग जो है एक एक वैकेंसी के लिए एक आदमी 4 साल 5 साल तक अगर वेट करता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता जो है खराब हो जाता है, मनोबल टूट जाता है, मानसिकता उनका बुरी तरीके से। मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि अगर वैकेंसी अगर पूरा नहीं करा पा रहा है तो टोटल रद्द कर देना चाहिए, लॉलीपॉप पकड़ाने की जरूरत नहीं। युवा दूसरा काम करेगा और अपने कुछ स्किल काम करके वो दूसरा काम करने का प्रयास करेगा। तो जिस प्रकार से लोगों के अंदर जो अभ्यर्थी है उनका जो तकलीफ है आखिर कौन समझेगा, आज 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल में कई तरह के वादे दावे सरकार के द्वारा करते गए लेकिन एसआई भर्ती के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया गया। आज वो आरक्षण के बदलाव के चक्कर में आज वो मार खा रहे हैं, कभी वो भर्ती प्रक्रिया में जो फिजिकल इवेंट जो होते हैं उसके चलते उन पर मार खाए, और आज स्थिति ये है कि आज इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। जिन छात्रों को आज पढ़ाई करने की आवश्यकता है वो मजबूरन आज धरना में बैठ रहे हैं, इसके पीछे भी सरकार से सवाल होना चाहिए, आखिर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार केवल से योजना चलाने के लिए सत्ता पर आती है? क्या सरकार केवल राजनीति करने के लिए सत्ता पर आती है? क्या सरकार केवल विपक्षी को दिखाने के लिए सत्ता पर आती है? ये एक बड़ा सवाल है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती किसी सपने से कम नहीं रहा है, क्योंकि बहुत पहले एक भर्ती आई, उसके बाद 2013 के बाद 2018 में भर्ती आए, और 2013 के पहले भी जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज उनकी उम्र बढ़ती गई। जो 22 साल की उम्र में तैयारी कर रहे थे वो आज 26 साल के हो गए हैं, जो 26 की उम्र में तैयारी कर रहे थे वो आज 30 साल के हो गए हैं। कुछ समय बाद उनका उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी और वो जो है किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे, तब उस समय इसका जवाबदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए और भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ अभिषेक चौबे जी मौजूद हैं, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है उनका मनोबल बनाए रखने में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं एसआई के अभ्यर्थी? टूटते क्या, टूट चुके हैं, हम तो नई ऊर्जा डालते आ रहे हैं कि भाई उम्मीद मत हारिए, अभी भी मौका है, संघर्ष कीजिए, पढ़िए और आपकी भर्ती आएगी, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब सरकार की ये गंदी रीति नीति, सरकार की क्या मंशा है वो बच्चे समझ से परे हैं, और ये एक 4.5 साल हमारी ही भर्ती को अटकाना कौन सी समस्या है भाई जो हमको अटका दिए हो? बाकी भर्ती तो आप डंकी चोट पे लेते हो, हम बोल रहे हैं कि आपका आरक्षण का मुद्दा है, आप परीक्षा ले लीजिए, इंटरव्यू में जो डिसीजन आएगा आप आरक्षण के आधार पर हमारी भर्ती कीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलते। पर ये सिर्फ हमारी परीक्षा को अटका के, आपको बता देता हूँ, भूपेश बघेल का आज कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो उस मीडिया लोग बताया जाता है कि ये भर्ती को नहीं पूछेंगे आप, ये जितनी ये बिकाऊ लोग हैं जो जब उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं वो हमारी बात इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनके विज्ञापन के दम पे वो चलते हैं, इसलिए हमारी बात खुल के सामने नहीं आ पाती। क्या ये मतलब सीधी सीधी तौर पर ये भर्ती क्या इसके बीच दलगत राजनीति है दोनों पक्षों की? नहीं, ये एक पक्षी है क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है और अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं है, इसलिए सारी संकटें आ रही हैं। पर अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये भर्ती का जो फॉर्म जो आया था इसका, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया था तो उस पार्टी शासन में 4 बार एफआई भर्ती के फॉर्म आए हैं, आपको पता है बात? अब सरकार की आधा साल बचा है, 4 फीता लगने वाला है सितम्बर में, तो ये अपने कार्यकाल में बफ्तर फाइटर्स की भर्ती लेते हैं, पुलिस की, सब पुरानी भर्ती को ले रहे हैं, ये अपनी अर्थव्यवस्था को छुपाना चाह रहे हैं कि हमारे इनके पास पैसे नहीं है हमारी भर्ती केवल एसआई भर्ती में ही क्यों, आरक्षक भर्ती भी हुआ था? क्योंकि एफआई भर्ती थोड़ा सा बजट वाला भर्ती होता है, उसमें ट्रेनिंग होता है, उसमें हथियार की होती है, सारी रिक्वायरमेंट अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, पर ये बहुत जरूरी क्योंकि सब सीनियर प्रमोशन होते जा रहे हैं, अब वो वैकेंसी खाली बफते जा रही है और जब वैकेंसी खाली बफती उसके आधार पर भर्तियाँ निकाली जाती है, वित्त विभाग उसको फिनफन करता है कि भाई अब भर्तियां होनी चाहिए।
वित्तीय कमी का बदला आने वाले सब इंस्पेक्टरों से लिया जा रहा है ऐसा कहना चाहते हैं? वही मान सकते हैं आप, उसके अलावा कोई रफ्ता नहीं है। और सरकार की दोहरे रवैये के खिलाफ आज हम लोग लगातार, ये पांचवा बार है हमारा आंदोलन, आज विफल आंदोलन है, सब FI अभ्यर्थी हैं। क्या करेंगे अभिषेक जी, क्योंकि बहुत तारीख पे तारीख आप लोगों को मिलते गया, आरक्षण का मार भी आपने खाया, पदों में उन्नति हुई सीट में उसमें भी मार आप लोगों ने खाया, उसके बाद जो शारीरिक दक्षता का जो नियम बदला उसमें भी आप लोगों ने मार खाया, अब क्या है आगे? मेरे पास 16 लाख युवा आज भी मौजूद हैं जी। मैं यदि चाहूँ, मैं मेरी आज आप देखें सोशल मीडिया के ज़माने में युवाओं से बहुत जल्दी जुड़ाव होता है, 16 लाख युवा ऑन रिकॉर्ड, सॉरी 18 लाख युवा ऑन रिकॉर्ड बेरोजगार हैं। ये सरकार जो छुपाती ना असलियत ये कि 18 लाख बेरोजगार है, 18 लाख गुणित 4 कर लीजिए आप, 18 लाख गुणित 4 कर लीजिए, हम 70 लाख लोगों को प्रभावित करेंगे आने वाले चुनाव में। और मैं डंके की चोट बोलता हूँ, हम 70 लाख लोगों को प्रभावित करेंगे, और हम जिधर चाहेंगे अब सरकार, यदि युवाओं की भविष्य, एक नया विजन चाहिए युवा को, हमेशा नया विजन चाहिए, युवा पीछे नहीं जाना चाहता, युवा नए तरक्की के मार्ग में जाना, यदि आप रोकेंगे तो हम नए नए हथकंडे अपनाएंगे। बस किस तरह से समस्या हो रहा है घर परिवार में, जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो पा रही है, लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, घर का क्या रिएक्शन है अभी? सर मैं 2017 से कॉलेज पास आउट हुआ, फिर उसके बाद 2018 में 17 में ही फॉर्म डला था, लेकिन 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ फॉर्म डालने के बाद, और तैयारी करते हुए सर लगभग मेरे को 4 साल हो गई है, और तैयारी करने के दौरान घर से प्रेशर आ रहा है कि कब लगेगा जॉब, कब लगेगा ऐसे करके, क्योंकि सामान्य सर मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, 2-4 एकड़ ऐसे खेत है मेरा, और पेरेंट्स सब खेती किसानी ही करते हैं, तो सब यही पूछते हैं गांव में जाओगे तो कब लगेगा आपका जॉब ऐसे करके, तो यही सब समस्या आ रही है सर। और कुछ कहना चाहते हैं? काफ़ी परेशान लग रहे हैं आप, किस चेहरे में दिख रहा है परेशान? जी सर, हम लोग परेशान क्यों नहीं रहेंगे सर, चूँकि हम लोग का 2018 का जो SI भर्ती है वो अब तक के हमारे सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, विभिन्न प्रकार के बहानाएँ बस बना रहे हैं कि वो है ये है, यदि हमारे प्रति सरकार कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस रखते हैं तो मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो SI की भर्ती जल्द से जल्द ले, और कोई भी भर्ती हो उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए कि 1 साल या 1.5 साल 2 साल जितने भी समय लेते हैं उसमें पूरी करनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि SI भर्ती जितनी जल्दी हो सके ले। धन्यवाद। और आखिरी में हम सब ये कहना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती जल्द से जल्द पूरी कराएं, और जो भी आरक्षण का मुद्दा है उसे जल्द से जल्द सुलझाएं, हम बस सरकार से यही निवेदन करते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ SI की तैयारी करने वाली कुछ लड़कियां मौजूद है, कहां से आई हैं आप, क्या नाम है? मैं प्रॉपर रायपुर से हूं, और मैं पिछले 4 सालों से तैयारी कर रही हूं SI भर्ती परीक्षा की, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 नवंबर को शेड्यूल आया हुआ था एग्ज़ाम प्री का, और सरकार किसी कारणवश उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, पोस्टपोन कर देती है एग्ज़ाम को अचानक से, और हमारा 4 साल का मेहनत धरा का धरा रह जाता है, और हम अपना विश्वास खो बैठते हैं कि सरकार हमारे साथ कैसा मजाक कर रही है। तो हम सरकार को ये सचेत करना चाहेंगे, अलर्ट करना चाहेंगे कि हम युवा हैं, और युवा को आप इतना समय तक कहाँ गुमराह कर रहे हैं, और इधर आप ये बोलते हैं कि 0.1 हो गया हमारे छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर, इतना कम कैसे हो सकता है जब इतने युवा बेरोजगार हैं, इतने साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, जबकि युवाओं में तो ऐसा जोश हम देख ही रहे हैं कि वो तैयारी तो कर रहे हैं पर उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो कैंसिल हो जा रहा है। तो सरकार से सिर्फ और सिर्फ निवेदन यही है कि वो युवाओं के साथ ऐसा मजाक ना करें, उनको सही शेड्यूल जल्द से जल्द समय के अनुसार दिलाए, और उनका परीक्षा ले और भर्ती करवाए। इसी मेरा नाम आरती साहू है, मैं अभी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही हूँ SI की तैयारी। दिवाली के समय SI भर्ती से जुड़े हुए हमारे जितने युवा भाई बहन हैं उनकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया, और आरक्षण की राजनीति में पूरे प्रदेश को उलझा कर रखा गया है। लीगली क्या संभव है क्या संभव नहीं है, उस सब के बावजूद ये समाज में अलग अलग नौटंकी के नारे लगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें फेंक रहे हैं समाज के बीच में कांग्रेस की सरकार, और उसके कारण सारी भर्तियां निरस्त हैं, कोई भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और सारे युवा हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं। 4 साल से अधिक समय बीत गया है और इनकी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए आज यहाँ सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, इनको सड़क पर उतरना पड़ा है, तो इनका समर्थन देने के लिए हम यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के समय में अनेकों बार SI भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हुई,
अब 2018 में वैकेंसी निकली थी उसमें दो चार महीने का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद चार साल का जो समय मिला है उसमें निश्चित रूप से एसआई भर्ती को पूर्ण कर लेना चाहिए था चार साल में। इन चार सालों तक एसआई भर्ती को पूर्ण नहीं किए और गलत राजनीति में पूरे प्रदेश को उलझा करके रखे हैं और युवाओं को युवा इसके कारण संकटग्रस्त, निराशा और हताशा में जीने को मजबूर है। ठीक, बड़ा सरकार के लिए चैलेंजिंग हो सकता है इनका कहना, क्योंकि 18 लाख युवा इनके साथ हैं और एसआई भर्ती की परीक्षा के लिए जिस तरह से जो मेहनत कर रहे हैं चार सालों से, आखिर क्या वजह है? क्योंकि लगातार लोग जो हैं परेशान हैं, ये वो युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर के भविष्य हैं, उस समय के भविष्य हैं जब जिन समय में आज इनको अपने घर का राशन पानी लाने का, घर की जिम्मेदारी संभालने का जो समय होता है, उस समय आज ये धरने पर बैठे हैं केवल इसलिए क्योंकि सरकार ने भर्ती नहीं किया, सरकार ने एसआई भर्ती रोक रखा है। कई तमाम कारणों की वजह से एसआई भर्ती को रोका जा रहा है, जिसको लेकर जो है आज बड़े पूरे प्रदेश भर से सब इंस्पेक्टर के जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी रायपुर पहुँचे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर मौजूद हैं, यहीं पर बैठकर खाना खा रहे हैं। भला सोचिए कि इस वक्त जो है बच्चे किस तरह से परेशान हैं, सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, सब सोच रहे हैं कि आखिर कब सरकार जो है उन्हें भर्ती जो है उनको कराएगी, कब वो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, कब उनके कंधे पर जो है पुलिस का जो बिल्ला है वो लगेगा, वो स्टार जो है वो लगेगा। इसके लिए जो है लगातार प्रयास वो कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नावेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।